Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video, we have discussed chapter number 21, Social Science, Class 5, Meet the Nobel Laureates, and it was the first part. And in that part, we have read Early Life and Education of Aung San Suu Kyi. In this part 2, today, we are going to read about the early life and efforts of Tawakkul Karman, the Iron Woman of Yemen. So, let's start. Tawakkul Karman was born on 7th February 1979 in Taiz, Yemen's third largest city. Unka janm hua tha 7 February ko 1979 mein, Yemen ke teesre sabse bade shahar Taiz mein. Her father is a lawyer and a politician. उनके जो फादर हैं वो एक लॉयर हैं और पॉलिटिशियन हैं. अब्दुल सलाम कारमन इज हिज नेम. शी मैरिड टू मोहम्मद अल नामी एंड हैज थ्री चिल्ड्रन. उनकी शादी मोहम्मद अल नामी से हुई है और उनके तीन बच्चे हैं. कारमन इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड अ सीनियर मेंबर ऑफ अल इश्ला. वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियन है और अल इस्ला जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी मेंबर भी है. अब यहाँ हम एक बात देखते हैं कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? इट इज़ अ राइट विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, नेशनलिटी, लैंग्वेज एक्सेट्रा. ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं एंड उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि समवन इज फ्रॉम दिस रिलीजन, समवन इज फ्रॉम दैट रिलीजन. तो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, सेक्स यानी कि मेल फीमेल और नेशनलिटी कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो और कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तो इन सब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द सेम राइट. सो दीज राइट्स आर नोन एज ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं. उनका जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं. शी हैज़ स्टडीड कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साना. उन्होंने अपना जो कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट किया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ साना से किया था, जहाँ उन्होंने कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था. In 1990, Yemen witnessed a civil war and the nation went through severe repression. Now, what is civil war? A war that takes place between different political factions or regions within the same country. ये ऐसा war होता है जो कि कोई दो countries के बीच में नहीं होता है. ये एक ही country में, same country में अलग अलग जो parts होते हैं उसके regions होते हैं उनके बीच में ये war होता है. तो वहाँ पर civil war start हुआ 1919 में, यमन में. तो इसके बीच में जब ये सिविल वॉर चल रहा था, देयर वर वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट वायोलेशन. उस टाइम ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस हो रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का. कारमन बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रिस्पॉन्डेड टू दिस सिचुएशन बाय मोबिलाइजिंग द पीपल एंड रिपोर्टिंग द इनजस्टिसेस बीइंग इन्फेक्टेड अपॉन द पीपल. उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो लोग इसका विक्टिम बने थे उनके साथ वो खड़ी रही और उनको जस्टिस देने का उन्होंने कोशिश की. इन 2005 शी फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वुमन जर्नलिस्ट विदाउट चेन्स, WJWC. ये उनकी एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्पेशली वुमन जर्नलिस्ट के लिए थी, वुमन जर्नलिस्ट विदाउट चेन्स, WJWC. इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स ग्रुप विच फाइट्स फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ यमनीज. ये ऐसा एक ग्रुप है जो लोगों के राइट्स के लिए और लोगों के फ्रीडम के लिए वहाँ पर लड़ता है. इट ऑल्सो रिपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज एंड अटैक्स अगेंस्ट द न्यूज़पेपर्स एंड राइटर्स. वहाँ पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे, जो राइटर्स थे, उनके ऊपर अटैक्स हुए थे. आप इसे पिक्चर देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर.
सो दीज आर द यमेन्स किडनैप्ड जर्नलिस्ट, उनको किडनैप करके उनको किल कर दिया गया था. फ्रॉम 2007 टू 2011 कारमन ऑर्गेनाइज्ड वीकली प्रोटेस्ट इन यमेन्स कैपिटल सना अगेंस्ट करप्शन, लीगल एंड सोशल इनजस्टिस. तो उन्होंने लगभग जितने भी उस टाइम प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई यमन में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, चाहे वो राइटर्स और न्यूज़पेपर जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके ऊपर जो अटैक होते हैं वो हो, चाहे कंट्री में चल रहा करप्शन हो या कोई सोशल इनजस्टिस हो, तो सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई. कारमन इज़ बोल्ड, आउटस्पोकन एंड इज़ नोन एज द मदर ऑफ रिवोल्यूशन. आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर एक स्कूल की है जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग को गिरा दिया गया था. सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी. तो शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ रिवोल्यूशन. वाई? बिकॉज शी इज़ बोल्ड एंड शी इज़ आउटस्पोकन. शी हैज़ बिन जेल्ड मैनी टाइम्स बट रिमेन्स फेयरलेस. उनको बहुत बार जेल भी भेजा गया था लेकिन वो फेयरलेस रही, वो निडर थी, इसलिए वो सारा काम जो है वो कर पाती थी. शी ऑर्गेनाइज रैलीज एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क एंड स्पोक डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बान की मून. उन्होंने न्यूयॉर्क में जहाँ यूएन का हेडक्वार्टर है वहाँ पर रैलीज निकाली और सीधे जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के उनसे उन्होंने बात की, जो कि बान की मून. आप देख सकते हो पिक्चर में तवाकुल विद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बान की मून. शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2011 एट द एज ऑफ 32 ईयर्स. 32 ईयर्स की एज में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला. शी रिसीव्ड द प्राइज इन रिकॉग्निशन ऑफ हर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन इन यमन. उनको यह प्राइज मिला था उनके नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए जो उन्होंने किया था यमन के अंदर जो वुमेन थी उनके लिए. कारमन बिलीव्स वुमन शुड नॉट फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. वुमेन मस्ट स्टैंड अप फॉर द राइट्स एंड दे डू नॉट नीड एनीबडीज परमिशन. While addressing an audience in the University of Michigan, she summed up her beliefs, "I am a citizen of the world. The earth is my country and humanity is my nation." ये उनके words थे जब उन्होंने Michigan University में एक speech दिया था. Kármán is the first Yemeni and the first Arab woman to win the Nobel Prize till date. She is also the second Muslim woman to receive this honor after Shirin Ebadi. कारमन जो है वो फर्स्ट यमनी और फर्स्ट अरब वुमन है नोबेल प्राइज़ जिसको मिला है. एंड शी इज़ ऑल्सो द सेकेंड मुस्लिम वुमन, वो सेकेंड मुस्लिम वुमन है टू रिसीव दिस ऑनर. इनसे पहले शिरीन इबादी को ये अवार्ड जो है वो मिला हुआ है. अब हम देखेंगे एक छोटी सी क्लिप जिसमें तवाकुल कारमन को नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था, तो देखते हैं. The Nobel Peace Prize laureate for 2011, Tawakkul Kármán, to come forward to receive the gold medal and the diploma. So students, here we have finished this chapter. If you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Now we'll meet in our next video. Till then, take care. Bye-bye.